सीसीटीवी कैमरे से खुलेगी मौत मिस्ट्री की गुत्थी। आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये सीसीटीवी कैमरा आप देखिए, और इस सीसीटीवी कैमरे का जो एंगल है वो ठीक उस कमरे के सामने है जहाँ पर नरेंद्र गिरी की जो लाश थी वो लटकती हुई मिली थी। आखिरी वीडियो से सामने आएगा महंत नरेंद्र गिरी की मौत का सच। महंत के चेले खोलेंगे गुरु की मौत का राज। सुसाइड किए थे आप लोगों की नजर में वो सुसाइड लग रहा है, कोई अंदर जाने का कोई चांस नहीं, तो ऐसे हम हत्या को कैसे नाम दें। मानसिक तौर पर क्यों परेशान थे नरेंद्र गिरी? क्या शिष्य आनंद गिरी कर रहा था परेशान? दबाव बनाने का कोई प्रकरण बनता नहीं है, ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है मुझे फंसाने की पूरी रूपरेखा तैयार करके। क्या महंत को ब्लैकमेल किया जा रहा था? महंत, मठ, मौत और मिस्ट्री, नमस्कार। सीधे प्रयागराज से आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आपको तस्वीरें ताजा दिखाने चाहूंगी। आपको बता दें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं चाहूंगी संजय हमारे कैमरा पर्सन आपको जरा नीचे की तस्वीरें दिखाएं और उस जगह की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे कि किस तरह से आखिर वो कौन सा कमरा था जहां पर सुसाइड का ये मामला सामने आया है। हालांकि मौत को लेकर रहस्य लगातार गहराता हुआ चला जा रहा है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो इस वक्त महाराज जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए थे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के तमाम नेता, और जैसा कि देख पा रहे हैं और किस तरह से भीड़ लगी हुई है नीचे, सभी लोग दर्शन कर लेना चाहते हैं महाराज जी के। और संजय वो जगह भी दिखाइए, आपको बता दें वही वो कमरा है, एक छोटा सा हॉल जहां पर अंदर लटकती हुई उनकी लाश मिली थी। आपको बता दें कि दो उसमें दरवाजे हैं, एक खिड़की है, दरवाजे को तोड़कर अंदर लोग दाखिल होते हैं और उसके बाद फांसी से लटकता हुआ नरेंद्र गिरी का शव देखा जाता है। उसके तुरंत बाद उनके शिष्य उनको उतारते हैं और पुलिस को इत्तला की जाती है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं उनकी मौत को लेकर जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं, लेकिन अपने आप में पुलिस के पास पांच अहम कड़ियां हैं जिनके जरिए वो आगे बढ़ रही है। पहली महत्वपूर्ण कड़ी ये है जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, तीन लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ के आधार पर बार बार एक वीडियो का जिक्र किया जा रहा है कि महाराज जी ने मौत के पहले एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी पुलिस के पास है। इसके अलावा और भी तमाम वो बातें जिसके जरिए पुलिस अपनी तफ्तीश सुसाइड के एंगल से लेकर तो आगे बढ़ रही है, लेकिन ज्यादातर जो साधु संत यहां पर पहुंचे हुए हैं वो सुसाइड मारने के लिए तैयार नहीं, और उनका ये कहना है कि दरअसल इसके पीछे किसी की बड़ी साजिश है और ये सुसाइड नहीं हो सकता है। पूरे मामले में पुलिस किस तरह से आगे बढ़ रही है और आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज के बाघमबरी मठ में कल क्या हुआ था? खुदकुशी के लिए क्यों मजबूर हुए महंत नरेंद्र गिरी? महंत की खुदकुशी की थियरी पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? क्या सुसाइड नोट पर महंत नरेंद्र गिरी की लिखावट नहीं है? क्या महंत की संदिग्ध मौत से भी बड़ी है इसके पीछे की साजिश? जैसे जैसे महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से जुड़ी नई नई जानकारी सामने आ रही है, लोगों के मन में तूफान की तरह सवाल कौंध रहे हैं। फिलहाल सवाल का जवाब पाने के लिए पुलिस के पास हैं तीन संदिग्ध आरोपी, आनंद गिरी, महंत गिरी का विवादास्पद शिष्य आद्या तिवारी, प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी, और संतोष तिवारी, आद्या तिवारी का बेटा। इन तीनों के अलावा जाँच की दिशा तय करने के लिए पुलिस के पास है बाघमबरी मठ के अमन गिरी पवन महाराज की तरफ से प्रयागराज के जॉर्जटाउन थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर, महंत नरेंद्र गिरी का कथित आखिरी वीडियो बयान और बाघमबरी मठ का सीसीटीवी वीडियो। जो आनंद गिरी है वो किसी न किसी तरीके से इस पूरे केस को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी का आपने बयान सुना उनका कहना था कि दरवाजा अंदर से बंद था, सुसाइड नोट मिले हैं,
और केस भी आत्महत्या के लिए उकसाने का दर्ज हुआ है, लेकिन आनंद गिरी जिन पर खुद FIR दर्ज है वो उस पूरे केस को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे थे, और जिस CCTV का वो जिक्र कर रहे थे, जैसा कि हम आज तक पर लगातार दिखा रहे हैं, वो CCTV कैमरा यही है जिसका वो जिक्र कर रहे थे। और ये CCTV कैमरा काफी अहम है, जिस तरीके से लगातार साजिश की बात की जा रही है वो काफी ज्यादा अहम है। लेकिन जांच तो एक तरफ चली रही है, आनंद गिरी शिकंजे में है फिलहाल पुलिस के, और उनसे पूछताछ की जाएगी। कई तरह की अलग अलग थ्योरी भी सामने आ रही है, सुसाइड नोट भी है जिसमें साफ साफ जो नरेंद्र गिरी है उन्होंने आनंद गिरी का के नाम का जिक्र किया, और शायद इसी वजह से FIR दर्ज हुई है। जाहिर है CCTV फुटेज से पता चल जाएगा कि सोमवार दोपहर से शाम तक महंत का शव मिलने तक क्या क्या हुआ था। वैसे आज तक को जानकारी मिली है कि पुलिस को महंत नरेंद्र गिरी के लिखित सुसाइड नोट के साथ वीडियो भी मिला है। मोबाइल से बनाए गए वीडियो में महंत नरेंद्र गिरी ने अपना आखिरी बयान दर्ज किया था। आज तक पर महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य निर्भय द्विवेदी ने सुसाइड नोट के साथ वीडियो बनाने का खुलासा किया है। एक बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फ़ोन में, और वो फ़ोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। वो वीडियो जब आएगा सभी के बीच में तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं यहाँ 10 साल से हूँ, 10 साल से जुड़ा हूँ आश्रम से, महाराज जी के ही कारण आज सारी चीज़ें हैं। तो मेरे जीवन का और इस आश्रम के सभी लोगों के जीवन का इससे बुरा दिन कुछ नहीं हो सकता। कारण जो भी है वो मैं भी चाहता हूँ कि वो सामने आए, जो भी है। महंत की संदिग्ध मौत की सच्चाई तक पहुंचने में सुसाइड नोट, CCTV फुटेज और आखिरी वीडियो के अलावा एक अन्य चीज पुलिस के लिए मददगार हो सकती है, और वो है कॉल डिटेल रिकॉर्ड। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज पुलिस को कॉल डिटेल में अहम सुराग मिले हैं। पुलिस के रडार पर समाजवादी पार्टी सरकार में दर्जा प्राप्त एक राज्य मंत्री है। बताया जाता है कि महंत को किसी वीडियो की वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस पूर्व मंत्री बाघमबरी मठ में अक्सर आना जाना रहता था और वो महंत के करीबी थे। महंत नरेंद्र गिरी के आखिरी दर्शन को प्रयागराज आए CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। फिलहाल इंतजार महंत नरेंद्र गिरी के पोस्टमार्टम का है, कल पोस्टमार्टम किया जाएगा। जांच की पहली दिशा वहीं से तय होगी। चित्रा त्रिपाठी, संतोष शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज आज तक। महंत नरेंद्र गिरी के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनकी ओर से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं। जब देखा जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। धन्यवाद। चर्चा चली, हमने कहा देखिए मेहनत से मिलता है वो आगे जाता है, मेहनत वाला टिकाऊ होता है। कोई बात अभी देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने यहां पर दर्शन किया है महंत नरेंद्र गिरी जी का, और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर उन्होंने निष्पक्ष जांच की बात कही है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से है, और आगे की ओर बढ़ते हुए यकीनन जिस तरह का कद रहा है नरेंद्र गिरी जी महाराज का, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी पक्ष के लोग हों, वो लोग ज़रूर यहाँ पर पहुँचते रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि चुनावों के दरमियान भी उनका रोल काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है।
जाता था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी है और अखिलेश यादव दर्शन करने के बाद अब बाहर की ओर निकलते हुए यकीनन उनकी ओर से ट्वीट करके भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए थे। जैसे ही ये खबर सामने आई थी हर कोई स्तब्ध है, जिन परिस्थितियों में नरेंद्र गिरी जी की मौत हुई है हर कोई स्तब्ध है। और इसी के साथ सवाल खड़े हो रहे हैं महंत के शिष्य को लेकर, उस पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले अखिलेश यादव की ओर से क्या कुछ कहा गया है सुनिए। इस पर भरोसा नहीं है अखिलेश जी? सिटिंग हाई कोर्ट के जज जांच करेंगे तो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको लगता है साजिश है कोई? ये जांच क्या विषय है, जांच के बाद ही पता लगेगा कि साजिश क्या थी इसमें। अखिलेश जी क्या लगता है संत समाज कितना हाथ हुआ है? सुनने में आ रहा है कि वो कई दिनों से लगातार मंत्री वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलना चाहते थे और ये कुछ चीजों को लेकर के उनमें तनाव रहा होगा जो सुनने में आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट के जज के माध्यम से जांच होगी, हर पहलू को जब देखा जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। धन्यवाद। यकीनन जांच के बाद ही स्थितियां पूरी तरह से साफ हो पाएंगी। जिस तरह से नरेंद्र गिरी जी की मौत लगातार सवालों के घेरे में है, अब सुसाइड के पीछे की वजह जो अब तक थ्योरी निकलकर सामने आ रही है, क्या आनंद गिरी उनके शिष्य हैं, क्या उनके उकसाने के कारण इस तरह का कदम नरेंद्र गिरी की ओर से उठाना पड़ा, आखिर वो कौन कौन सी वजह रही, किस तरह से सवालों के घेरे में आ गए हैं आनंद गिरी जो हरिद्वार में थे, उनको हिरासत में लिया गया और फिर उनको लाया गया है उत्तर प्रदेश, उनसे लगातार की जा रही है पूछताछ। कौन है आनंद गिरी जिनके साथ शिष्य जैसे रिश्ते थे गुरु नरेंद्र गिरी के, क्या विवाद था और उसके बाद किस तरह से मामला आगे बढ़ा और आज परिस्थितियां क्यों उनकी ओर इशारा कर रही हैं, उसको बताती हुई अब हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। मैं सम्मान से जिया, अपमान से नहीं जी पाऊंगा, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट का यह हिस्सा बताया जाता है, लेकिन जिस सुसाइड नोट के आधार पर इसे खुदकुशी का मामला बताते हुए उनके विवादित शिष्य आनंद गिरी को पकड़ा गया है, उस सुसाइड नोट पर आनंद गिरी ने सवाल उठा दिए हैं। सर वो लिखते थे, बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन हम लोगों के जैसे मैं यहाँ 8 से 9 साल से हूँ तो मेरा अनुभव रहा है कि लिखते थे लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में, थोड़ा सा टूटी फूटी लाइनें उनकी होती थी, बहुत राइटिंग नहीं आती थी, लेकिन लिखते थे वो। और जो उन्होंने 5 से 6 पेज का लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, एक लिफाफे में था भैया वो। अच्छा। हाँ, महंत जी का ही लिफाफा था और वो उसी लिफाफे के अंदर सारी चीज़ें थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, वो लिखते थे, वो अपना हस्ताक्षर भी स्वयं करते थे। जिन्होंने कभी अपने जीवन में एक लेटर नहीं लिखा उन्होंने 5-6 पेज का सुसाइड नोट लिखा, जिनके संपर्क में आईजी डीआईजी से लेकर के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता और राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। एक अदने से व्यक्ति और कर्मचारी का नाम लिख करके मर गए, कैसे संभव हो सकता है? महंत आनंद गिरी को कल रात ही हरिद्वार से पुलिस उठा चुकी है। हिरासत में लिए जाने से पहले आज तक पर आनंद गिरी ने महंत की संदिग्ध मौत को मर्डर बताते हुए कई संगीन आरोप लगाए। मैंने ये आवाज उठाई है कि हमसे पूर्व महंत आशीष गिरी जी महाराज, महंत दिगंबर गंगापुरी जी महाराज, 2 युवा साधु आत्महत्या जैसी संदिग्ध हालात में उनकी मृत्यु हो गई। आनंद गिरी खुद को फंसाए जाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें कहा गया है कि श्री महाराज जी पिछले कुछ महीने से आनंद गिरी को लेकर परेशान रहा करते थे। ये बात कभी कभी वो स्वयं कहा करते थे कि आनंद गिरी हमें बहुत परेशान करता रहता है। ये सूचना हम लोगों द्वारा थाना जॉर्जटाउन एवं IG प्रयागराज को दी गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या एक चेले से परेशान होकर इतने बड़े महंत ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली? जो व्यक्ति अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष हो, जो इतने बड़े मठ का महंत हो, वो क्या एक अदने से व्यक्ति के कहने पर आत्महत्या कर सकता है? जिनके संपर्क में आईजी डीआईजी से लेकर के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता और राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। एक अदने से व्यक्ति और कर्मचारी का नाम लिख करके मर गए, कैसे संभव हो सकता है? इस केस में आनंद गिरी अब
आनंद गिरी सवालों के घेरे में है, यकीनन पूछताछ के बाद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी और पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर इस रहस्यमय मौत के पीछे की बड़ी वजह क्या है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन कवरेज और हर एक खबर इससे जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए आज तक।